can support Sushant Singh today. Do not watch Big Boss. अगर आप Big Boss को देखते हो, then you are not on the side of Sushant Singh. Big Boss को boycott कर लीजिए. हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और बिग बॉस के इस मौसम में आज मेरे साथ जुड़ रही हैं सीधा लंदन से सोफी हयात, जिनको आप पहले बिग बॉस में देख चुके हैं. लेकिन सोफी आजकल मुंबई में नहीं है, इन्हें यहाँ पर शायद मुंबई में जो हो रहा है या जो अभी सबके सामने है उन्हें पसंद नहीं आया और ये हमें छोड़कर लंदन चली गई हैं. तो सोफी, क्या वजह रही आप मुंबई में, आपका करियर इतना अच्छा चाहा, आपने बिग बॉस में देखा लोगों ने, क्या वजह रही कि आप मुंबई में ये सारी माया नगरी छोड़कर लंदन चली गई वापस? सच बोलूं, कैसे बोलते हैं, इंडस्ट्री का जो मौसम है वो अच्छा नहीं है. जब मैं बिग बॉस से निकल गई थी, मैं गई थी ना वकील को गई थी, क्योंकि वो अरमान खोली ने जो मुझे मारा. आई हैड टू लॉयर्स. पहला, दे हैड अ मीटिंग विद अरमान खोली फैमिली, उन्होंने उसको पैसा दिया. दूसरा वकील, उन्होंने पैसा दिया. फिर जिया खान की मम्मी ने भी मुझे फोन किया. डॉली बिंद्रा मुझे मुझे बोला था कि आप ये जो सिचुएशन है, आप इसके साथ क्या करना चाहते हैं. मैंने बोला कि बिग बॉस में जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, उन्होंने देखा कि आदमी ने मुझे मारा, इसलिए मैं एग्जाम्पल बनाना चाहती हूँ. और उसने बोला, इफ यू टेक दिस फार, एक दिन आपकी जो सूटकेस में, आप लंदन जाएगी, सूटकेस में ड्रग्स हो जाएंगे और किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ से आएंगे, बी केयरफुल. और इसलिए जैसे आई लव इंडिया, जो स्पिरिचुअलिटी है इंडिया का, जैसे आप बोलते हो इंडिया माँ है, वो मेरे दिल में है. लेकिन मैं वहां रह नहीं सकती, क्योंकि जो गंदगी वहां फैली हुई इंडस्ट्री में, आई डोंट लाइक दिस एट ऑल. तो सोफी, पिछले 6 महीनों से हम एक पेंडेमिक से लड़ रहे हैं, पूरा वर्ल्ड कोरोना के पेंडेमिक से. लेकिन इसी बीच एक मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की, एक यंग अभिनेता जिसका करियर बहुत अच्छा चल रहा था. उसके बाद ढेर सारे नेपोटिज्म, अंडरवर्ल्ड, ड्रग्स, ये सब मामले बॉलीवुड के खुलने शुरू हुए, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स शामिल थे. और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारी अभिनेत्रियां भी ऊपर, कास्टिंग काउच, मी टू, तो अचानक पूरा स्कैनर में आ गया ये फिल्मी दुनिया. तो आपको क्या लगता है कि कितनी गंदगी है इस फिल्म इंडस्ट्री में? बहुत गंदगी है. मैं बहुत टैलेंटेड हूँ. मैं इंडिया आई और पहली फिल्म में मैंने गंदगी देखी कि प्रोड्यूसर्स रात में मेरे दरवाजे पे खटखटा रहे थे और हमको शराब दे रहे थे कि आ जाओ मेरे कमरे में, आ जाओ दारू पी लो. मैंने बोला, मैं अगर मुझे दारू चाहिए, मैं होटल की बार में जाऊंगी, आपके कमरे में नहीं आऊंगी. और मैंने बहुत कुछ देखा कि इतने बॉलीवुड के पॉलिटिक्स. मैं पार्टी में गई थी और उस पार्टी में मैं नाम दे सकती हूँ या नहीं? जी, आपके ऊपर है, आप देना चाहें तो. अच्छा चलो. मैं एक पार्टी में गई थी और वहां सब बॉलीवुड के लोग थे और एक आदमी आया, उसने बोला, हाँ मैंने वो सनी लियोने का पहला गाना मैंने किया. अच्छा, पार्टी 4 बजे सुबह की खत्म हो गई. वहां तो सब कुछ था, दारू, ड्रग्स, सब कुछ. और मैं आपको सच बोलती हूँ, उस वक्त मैं ड्रग्स लेती थी, थोड़ा, जैसे कोकेन मैं लेती थी, लेकिन मैं इतना नहीं लेती थी कि मेरा स्टेर, दैट आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग. आई टेल यू द ट्रुथ, आई एम नॉट गोना लाई टू यू. और पार्टी 4 बजे में घर जा रही थी और ये पता नहीं उसका नाम याद आ रहा नहीं, वो बोला था मेरी ऑफिस है और वो समुन्द्र के सामने है, आ जाओ हम वहां एक ड्रिंक लेते हैं. मैंने बोला, 4 बजे सुबह का, मैं नहीं आ रही हूँ. और उसने बोला, आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ. मैंने कहा, मैं जानती हूँ, आप एक आदमी हो, मैं एक लड़की हूँ, गुड नाइट. ये भी हुआ मेरे साथ. अब तो आई टेल यू द ट्रुथ, जब मैं नन बनी, मैंने सब कुछ बंद किया, जैसे ड्रग्स नहीं करती हूँ अभी, मैंने किया. लेकिन एज आई सेड, आई डिडंट डू टू मच. बट मैंने देखा कि एक दो नाम मैं दे नहीं सकती कि शादीशुदा आदमी जो मीडिया में
they look like the best happy couple or what kuch hota hai jaise wife swapping drugs alcohol bahut kuch hota hai aur main india aayi thi I thought that india is a very spiritual beautiful place but the industry is not professional mere do film bhi the aur malum nahi ki film ban gayi aur unhone release nahi kiya I don't know why I worked very very hard aur actually industry mein jab main big boss mein gayi thi usi waqt mere agent ne bola salman ke khilaf kuch nahi bolna aur salman ko bhai nahi bolna kyunki agar aapne ye bola फिर आपका काम इंडस्ट्री में खत्म शुरू में मैं ऑब्वियसली आई वाज कंसर्न्ड एट द बिगिनिंग फिर उसके बाद जब ये पूरा केस हुआ और सलमान ने बेल दिया अरमान को मैंने सोचा ये इतनी गंदगी है कि जो बिग बॉस है इट डज नॉट हेल्प यू उन्होंने मैं फिनाले में नहीं आई थी क्योंकि मैंने बोला मैं मंच पे नहीं होना चाहती हूँ आदमी के साथ जिसने मुझे मारा उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में है मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा हुआ था कि वायलेंस नहीं होगा और आपने देखा पुलिस ने देखा सब ने देखा और इंडस्ट्री देखो दुनिया में बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं इट्स अ फैक्ट बट ऑल्सो इन इंडिया देयर इज अ नेटवर्क ड्रग्स आते हैं रिक्शा वाले के साथ देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ड्राइवर्स रिक्शा वाले हु आर डिलीवरिंग द ड्रग्स ओके तो यानी काफी कुछ बहुत कुछ होता है इंडस्ट्री में लेकिन अचानक ये जो खुल के आ रहे हैं बड़े बड़े नाम यू नो बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों के नाम अचानक खुल के आए पीपल वर शॉक की दीपिका पादुकोण का नाम आ रहा है श्रद्धा कपूर का नाम हो रहा है एलिजेंड उनके नाम आ रहे थे तो मतलब बहुत पूरे देश को ये जानकर धक्का लगा कि जिन एक्ट्रेसेस को वो आइडलाइज करते हैं वो ये सब काम करती हैं तो एक रॉम एग्जांपल सेट हो रहा है क्योंकि ये दीज पीपल आर द इन्फ्लुएंसर्स फॉर द यूथ अगर यही लोग ऐसा करेंगे तो व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फॉर द यूथ तो व्हाट यू हैव टू से मतलब एक एक चीजें जो नहीं आनी चाहिए वो सामने आ रही हैं सोफी इस वक्त इट नीड्स टू कम फॉरवर्ड Because even, you know, it's not just actors and actresses jo ye kaam kar rahe hain. Aur, yes, they are influencing the youth. Lekin the youth are very clever as well. The India mein jo youth hai, wo bahut hi intelligent hai. So we shouldn't hide anything from them. Okay. Aur, unko ye bhi promote karna chahiye. They need to promote the good things. They need to stop nepotism. They need to arrest Arman Kohli, anybody who makes mistakes like this, and put unko jail mein dalna chahiye ki ye saza hoti hai. Kyunki jaldi se ye log samajhte hai ki wo they are above the law. पर इस बार का बिग बॉस 2020 वाला क्या आपने देखा है हैव यू हैड अ ग्लिम्स ऑफ इट एंड हाउ डू यू थिंक आपके सीजन से बिग बॉस कितना बदल गया है मैंने देखा नहीं क्योंकि मैं देखना नहीं चाहती हूँ बिकॉज़ मेंटली माइंड के लिए ये शो अच्छा नहीं है ये शो नेपोटिज्म प्रमोट करता है इट प्रमोट्स वायलेंस अग्रेशन लाइंग चीटिंग ये सब कुछ प्रमोट करता है और मैं बहुत ही स्पिरिचुअल हूँ अभी भी आई डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी अब लंदन में मेरा नाम फैल गया एज अ स्पिरिचुअल गुरु और मैं बहुत सारे हॉलीवुड स्टार्स के साथ काम करती हूँ नॉट एज एन एक्ट्रेस एज अ गुरु और ये जो चीजें हैं जो सब्जेक्ट्स बिग बॉस में आते हैं बिग बॉस के साथ के पास दो ऑप्शन है दे कैन टेक the subjects that arise and make an example or they can do the opposite wo ye karte hain agar kuch galat kaam wahan hota hai jaise aadmi ladki ko maarta hai ya violence wo zyada promote karte hain ji ye to this is a bad influence ab unka choice hai ki wo ye rok bhi sakte hain ki ye acha nahi hai inko nikalo they should make this sort of rule lekin karte nahi
और आप जानते हो दुनिया में पता नहीं मे बी 1-2 बिलियन पीपल वॉच दिस शो. द इन्फ्लुएंस दैट बिग बॉस हैज इज वेरी वेरी बिग. और जो लोग बिग बॉस को देखते हैं, बिग बॉस इज लाइक अ ड्रग बिकॉज पीपल आर एडिक्टेड टू द वायलेंस. सो ये बिग बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम क्या, वॉट आर वी गोइंग टू गिव दम, हम क्या खिलाएंगे जो लोग देख रहे हैं हमारे शो, क्या हम उनको क्या खिलाएंगे, वायलेंस खिलाएंगे, क्या खिलाना है जी. क्योंकि अब ये टाइम है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में उनके दिमाग खोल रहे हैं, दिल खोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए. लेकिन हमेशा हमेशा पता नहीं ये सलमान खान का काम है या किसका काम है, वो सुनते नहीं. एक्चुअली जब मैं बिग बॉस से निकल गई, लोगों ने बोला अरमान कोहली वापस आएगा शो में क्योंकि सलमान उसका दोस्त है. मैं क्या करूं जब मेरी प्रोटेक्शन नहीं थी, फिर मैं क्या करूं, क्या आई हैव टू लीव. लॉ का सहारा नहीं लिया आपने, कुछ पुलिस का या फिर? मैं गई थी, मैं पुलिस स्टेशन गई थी, वकील भी आया था, 2 लॉयर्स, लेकिन जो अरमान कोहली का खानदान है उन्होंने उनको पैसा दिया और सलमान ने बेल दिया. मैं कितने वकील लू, मैं कितना पैसे दू कि मेरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. So I left it. And this is very sad. Because लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर सोफिया आयात को जस्टिस नहीं मिला, क्योंकि ये सब लोग पैसे दे रहे हैं पुलिस को या वकील को, फिर जो आम आदमी होता है उनका क्या चांस है? This is not a good example to lose hope in the justice system of your own country. सोफी, अभी लेकिन हालिया में जो कोरोना वायरस के कारण पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उथल पुथल जो आ गया, आपको क्या लगता है कि इस वक्त क्या होना चाहिए कि लोग ऐसे सुइसाइड ना करें? इस वक्त क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक पीपल शुड डू सो दैट ये जो टफ टाइम्स पूरी दुनिया में जो छाए हैं वो निकल जाए? ये जो टफ टाइम्स में पहली चीज है लुक इनसाइड. टेलीविजन बंद कर लीजिए, डोंट वॉच द टेलीविजन. हर एक चीज इस दुनिया में एनर्जी है, जैसे शिवा है एक एनर्जी है, जैसे गणेश एनर्जी है. गणेश इज द एनर्जी ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स, शिवा इज द डांस ऑफ क्रिएशन. आंखें बंद करके अंदर जाओ, बाहर से नहीं, टीवी शो मत देखना, बिग बॉस मत देखना, क्योंकि इस वक्त जब यू नो विद कोरोना वायरस यू डोंट, यू नॉट वर्किंग, यू आर नॉट गोइंग आउट, सो योर माइंड इज एक्टिव टू टेक थिंग्स. फिर इन वक्तों में यू मस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव, मतलब ये देखो कि आपके पास क्या है. मेरे पास खाना है आज, मेरे पास घर है रहने के लिए. ग्रैटिट्यूड, वी मस्ट प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. और ये दूसरी बात है कि आई बिलीव, मैंने मेडिटेशन किया और इस मेडिटेशन में मैंने देखा कि जो कोरोना, कोरोना का मतलब एक्चुअली है इनलाइटनमेंट. Shiva ke sar ke around the back of the head of Shiva is the sun, the corona, the crown of the sun. I believe we are in a very special time. Aur is waqt mein you can grow your enlightenment. You can come inside. You can allow the light of God to come through you. And you can do the work now. Ab is time hai ki you can come inside. You can see the world through the eyes of creator. Corona ek opportunity hai. Kyunki main dekhti hu ki koi koi log survive karte hain, koi koi log thrive hote hain. Aur jo log thrive kar rahe hain, unke dil mein roshni hai. Jo log thrive nahi karte hain, ye kiske liye? Kyunki wo depression mein sochte hain. Aapki jo mind aur heart hai, do not think about negative things. वो नेगेटिव चीज एक एनर्जी होती है, अगर आप उसको अटेंशन देते हो फिर आपकी नेगेटिविटी भी फैल जाती है. अगर आप पॉजिटिव चीजों में माइंड रखते हो, जैसे कि हाँ आज मैं खा सकती हूँ, आज मैं सांस ले सकती हूँ, और ये सांस इट्स वेरी ब्लेसिंग टू हैव द ब्रेथ ऑफ ओम, इसमें सोच लो और फिर आपका दिल भर जाएगा विद लाइट, विद पॉजिटिविटी.
उम्मीद करते हैं सोफी ऐसा ही हो। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये बातें पॉजिटिविटी लेकर आए, और आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इंसाफ मिले, एक बार फिर से आप भारत आए और यहाँ की जो संस्कृति का वही लुत्फ उठाएं जिस जो सोच कर आप इस देश में आई थी। हम बस उम्मीद हाँ। करते हैं और पॉजिटिवली सोच सकते हैं कि एक दिन ये वक्त जरूर। पॉजिटिव में सोचती हूँ, लेकिन जैसे सुशांत सिंह, जिया खान, प्रत्युषा बैनर्जी, जिसमें मैं बिग बॉस में थी, इट्स हार्ट ब्रेकिंग, दिस ब्रेक्स माय हार्ट। जिया खान भी लंदन से आई थी, वी कम विद ड्रीम्स, और जो एंड आई एम वेरी सुशांत, आई रियली प्रे कि जो सुशांत सिंह की जो डेथ है, कि आप सब हिंदुस्तान सुशांत सिंह की डेथ देख के, यू कैन सपोर्ट सुशांत सिंह टुडे, डू नॉट वॉच बिग बॉस, बिकॉज शोज लाइक दिस आर प्रमोटिंग दिस डिस्गस्टिंग बिहेवियर। एक्चुअली वी मस्ट नॉट वॉच इट। बिग बॉस में मैंने ये बताया नहीं, बिग बॉस में ड्रग्स भी थे। मेरे बर्थडे पे इजाज खान ने बोला मेरे पास एक्सटेसी है, वो हर दिन एक्सटेसी पे था, लोग गंजा भी सिगरेट पी रहे थे, ये सब कुछ हो रहा था। इट्स वेरी बैड, वेरी बैड, और दिस हैज टू स्टॉप। इफ यू, अगर आप बिग बॉस को देखते हो, देन यू आर नॉट ऑन द साइड ऑफ सुशांत सिंह। बिग बॉस को बॉयकॉट कर लीजिए फॉर द सपोर्ट ऑफ सुशांत सिंह, जिया खान, एनर्जी। थैंक यू सोफी, उम्मीद है आप जल्दी भारत आए और हमारी मुलाकात हो। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया।